माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, रावत जाति को प्रदेश में एक समान एसटी आरक्षण में सम्मिलित करने बाबत। महोदय, उक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान के जाजपुर, भिंडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों में बसने वाले रावत जाति के लोगों को एसटी आरक्षण में सम्मिलित है, जो कि अजमेर क्षेत्र हमारी गोत्रों में से हैं एवं राउत मीणा के नाम से जाने जाते हैं, जबकि अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं पाली जिले में बसने वाले राउत समाज की सभी गोत्रों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति भयावह है, जमीन नहीं है, पर्याप्त पानी का अभाव है, 20 वर्षों में एक बार तालाब भरते हैं, अर्थात बरसात शून्य होती है। इस क्षेत्र में पहाड़ी होने के कारण कल कारखाने एवं औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण बड़े बड़े शहरों में जाकर रात दिन पत्थर पीसने वाली फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर है। इन फैक्ट्रियों में वही व्यक्ति काम करता है जिसके पास रोजगार के कोई और साधन नहीं हो और अपनी आजीविका चलानी मुश्किल हो रही हो। इसे प्रदेश में बसने वाली एक ही जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इन चार जिलों में बसने वाली राउत जाति के आरक्षण से वंचित सभी गोत्र की महिलाएं, पुरुष पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों में रात भर मजदूरी करते हुए जीवन यापन कर रही है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि इनसे गरीब कौन सी जाति हो सकती है। आप चाहे तो कमेटी बनाकर बेचकर सर्वे करा सकते हैं। मेरी बात गलत निकले तो आपको, आप जो सजा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। कृपया हमारे साथ न्याय करावे सभी गोत्र बीपीएल के समक्ष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप राउत जाति के लिए कोई अलग से आरक्षण हम नहीं मांग रहे हैं। हम लोग भी राजस्थान में ही रहते हैं और आरक्षण कोई जिले वाइज नहीं है। जब जाजपुर, भिंडर, चित्तौड़ जिले के राउत समाज की गोत्र को वर्षों से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये लोग भी ब्यावर क्षेत्र के मांगण जी महाराज के बड़ा खड़ा सा निकले हुए हैं जो कि मोटिस है। जैसे उदाहरण के लिए इसी सदन के माननीय जाजपुर से सदस्य गोपीचंद जी मीणा विधायक महोदय, पूर्व विधायक शोजीराम जी मीणा, बांसवाड़ा से पूर्व विधायक रहे धन सिंह जी रावत, ये लोग भी हमारी गोत्र से ही रावत हैं, जो आज भी हर वर्ष जुलाई महीने में बांगड़ जी महाराज के मंदिर के मेले में बड़ा खेड़ा ब्यावर में जाजपुर, भिंडर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष बांगड़ जी के मेले में आते हैं। हम सभी यही से निकले हुए हैं। हमारे लोक देवता भी सब एक ही है। तीर्थराज पुष्कर में हमारा राउत समाज का भव्य मंदिर है, उसके अंदर भी मीन भगवान की मूर्ति स्थापित है। अतः आपसे निवेदन है कि अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा जिले में बसने वाली राउत जाति के सभी गोत्र के लोगों को अपना शपथ पत्र एसटी प्रमाण पत्र हेतु देता है। इसके लिए जिले के कलेक्टर को आदेश निकालकर पाबंद करावे कि जो रावत एसटी प्रमाण पत्र लेने हेतु आपके पास शपथ पत्र देता है उसे आप एसटी का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश करावे। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी राउत जाति अन्य प्रकार अन्य कोई आरक्षण नहीं मांग रही, जो आरक्षण है अपना हक मांग रही है। धन्यवाद।